राशन टास्क के अंदर काफी ज्यादा बवाल हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन वहीं पर धोखेबाज भी बन चुके हैं अविनाश मिश्रा। उन्होंने धोखा दिया है अपने ही दोस्त एलिस कौशिक को, जिसने कि उनके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास दिखाया और सभी घर वालों के अगेंस्ट चलेगी अविनाश को सपोर्ट करने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, और जिसके बाद में एलिस को भुगतना पड़ा है अपना ये एक ट्रस्ट करने का नतीजा, क्या है कहानी बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो राशन टास्क आपको पता ही क्या था, वहीं पर एलिस अपना जो परफॉर्म करने जाती है एंड उनको अपनी एक मनपसंद चीज को डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन उसके लिए श्रुति का चाहत ईशा तक भी, जी हाँ ईशा भी मना करती है एलिस को कि ये मत कर, इसने कुछ नहीं देना अपने को, ये धोखेबाज है, एक नंबर का घटिया इंसान है अविनाश को लेकर ईशा बोलती है। एंड वहीं पर श्रुति का खड़ी हो होकर जाती है। एंड नायरा बनर्जी, जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वो भी कहती है कि देख भाई कुछ नहीं देना इसने, लेकिन एलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनती और उन सबके अगेंस्ट जाती है एंड अविनाश के ऊपर ट्रस्ट करती है कि यार ऐसा नहीं होगा, मेरे को पता है, मेरे को ट्रस्ट है अविनाश पे, मेरे को पता है वो जो मैं मांगूंगी वो दे देगा। लेकिन अविनाश बार बार ये भी कह रहे थे एलिस को कि ये चीज़ तू डिस्ट्रॉय मत कर, मेरे का कुछ नहीं पता, मेरे को लगा तो मैं दूंगा, नहीं लगा तो नहीं दूंगा। यहाँ देखा जाए तो दोस्ती के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं है अविनाश मिश्रा। आपका क्या है कहना प्लीज कमेंट में बताना। और उसी के साथ साथ अविनाश मिश्रा के साथ किसी दूसरे इंसान को जेल के अंदर रखना था, जिससे कि राशन टास्क और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इस टास्क में सिर्फ एक तरफा हो गया है सारा कुछ कि भैया अविनाश किसी को कुछ नहीं देने वाला है एंड जिसके बावजूद वो कहते हैं कि राशन सारा जेल में जाने वाला है एंड जो कि मैं आप सब में बांट दूंगा बाद में। लेकिन राशन टास्क करवाने का फायदा क्या हुआ ये उनको समझ नहीं आ रहा है, जिसके बाद बिग बॉस भी अविनाश मिश्रा को डांट लगाने वाला और एलिस को भी काला धुआं मिलने वाला और राशन कुछ नहीं मिलने वाला है, जिसके बाद एलिस का भी काफी ज्यादा दिल टूट जाता है। लेकिन अविनाश मिश्रा ने काफी घटिया हरकतें की है इस राशन टास्क के अंदर, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले और दी करने वाला है कि यार ये बंदा जल्दी से निकल जाए। जी हाँ, निक्की तुम बोली को एक बार देखने में लगता था बिग बॉस 14 में कि यार ये भी जाए जाए जाए, लेकिन वैसा ही इस बार अविनाश मिश्रा को देखकर लग रहा है कि यार ये बंदा स्क्रीन पे ना आए। आपका क्या है कहना प्लीज कमेंट के अंदर बताना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें।